जब भी आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि एक ना एक क्वेश्चन आपको जनजातियों से देखने को मिल जाता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में या एमपीपीएससी में तो आपने देखा है कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस बनते हैं जनजातियों से। तो अभी आपने देखा है कि ग्रेट अंडमानी जनजाति है, इसमें आपने देखा कि COVID-19 से संक्रमित पाए गए कुछ लोग, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं और जो चर्चा में रहती है जनजाति उनसे ज्यादा अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो चलिए पहले हम लोग अंडमान को एक बार देख लेते हैं, अंडमान निकोबार को मैप्स में देख लेते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है? क्या है ये हमारा प्यारा भारत। अंडमान निकोबार की अगर बात करें हम लोग तो आपको अंडमान निकोबार ये देखने को मिलेगा। कहाँ है ये? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं आपको तो इसकी राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा और यहाँ सबसे बड़ा शहर है, पोर्ट ब्लेयर ही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। और यहाँ की जनसंख्या आप 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 3,80,581 के करीब देखने को मिलेगी, ठीक है? और अगर आप लोग जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 46 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आपके निवास करते हैं। और यहाँ आपको 3 जिले मिलेंगे। यहाँ भाषा देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों उपयोग होती हैं। और इसके गठन की बात करूँ तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? यहाँ एक लोकसभा सीट है, एक लोकसभा सीट भी है और उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है ये, ठीक है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप। वैसे याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें 572 छोटे बड़े द्वीप से मिलकर बना है, यानी कि एक समूह है पूरा, ठीक है? अकेला नहीं है ये, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी जनजाति के 9 लोग COVID-19 से संक्रमित पाए गए। याद रखिए ग्रेट अंडमानी जनजाति को, इस नाम को। गौरतलब है कि अंडमान एवं निकोबार में अब तक COVID-19 के 2,985 यानी कि 2,985 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 676 सक्रिय हैं और अब तक 41 की मौत हो चुकी है। कितने? 41 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रेट अंडमानी जनजाति COVID-19 से प्रभावित होने वाली दुर्लभ जनजातियों में से पहली है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत आने वाली ग्रेट अंडमानी जनजाति की संख्या मात्र 59 है। याद रखिए अभी भी आप देखेंगे ये जनजाति क्षेत्रों में आप जाएंगे तो इन्हें देखेंगे कि अभी भी ये लोग पुरानी ही परंपरा में जीते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं तो उन्हें मार दिया अगर इनकी कोई संस्कृति से छेड़छाड़ करता है तो उनमें पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं लोग, ठीक है? तो ये भी देखने को मिला है कई बार। हाल ही में स्टेट आइलैंड में COVID-19 से संबंधित ग्रेट अंडमानी जनजाति के 4 नए मामले दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्टेट आइलैंड पर निवास करते हैं। कहाँ? स्टेट आइलैंड पर निवास करते हैं, इसे भी याद रखना, ठीक है? पूछ सकता है कि कहाँ निवास करते हैं तो याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्टेट आइलैंड पर निवास करते हैं। कुछ स्टेट आइलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये है आपका पोर्ट ब्लेयर, ये है आपका स्टेट आइलैंड, देखिए यही आपका बता रहा हूं, ठीक है? स्टेट आइलैंड अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। मैंने बताया ना कि अंडमान द्वीप समूह एक कई द्वीपों से मिला हुआ है तब बनता है एक समूह, तभी तो आप लोग बोलते हैं इसे। यह उत्तर एवं मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भारतीय संघ क्षेत्र का हिस्सा है। यह द्वीप एक प्रकार की का जनजातीय आरक्षित क्षेत्र है। किसका? जनजातीय। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 63 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। कितने? 63 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। अंडमान एवं निकोबार 6 जनजातियों सेंटिनली जारवा ग्रेट अंडमानी ओंगे सोम्पेन एवं निकोबारी का निवास स्थान है। इसको भी याद रखना है, इन 6 को पूछ लेगा आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप पर कितनी जनजाति कौन कौन सी रहती है तो इनमें से दे देगा आपको 4 ऑप्शन, कहेगा इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप पर रहती है या नहीं रहती है, तो ये अच्छे से इन्हें याद रखिए। ग्रेट अंडमानी
स्टेट आइलैंड उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले का हिस्सा है, जो ग्रेट अंडमानी जनजाति का निवास स्थान। जावा, सॉरी जारावा, जारवा क्या बोलते हैं थे, जाखा नहीं, जारवा। दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह जारवा जनजाति का निवास स्थान है। ओंगे, लेटेड अंडमान द्वीप समूह ओंगे जनजाति का निवास स्थान है। इनको भी याद रखिए, इनसे भी आपका पूछ लेगा। सोम्पेन, सोम्पेन आपका ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक क्षेत्र में निवास करने वाला देशज लोग हैं। अंडमान एवं निकोबार जनजाति की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो अंडमान जनजातियां निग्रेटो समूह के अंतर्गत आती हैं, जबकि निकोबार जनजातियां मंगोलाइड, मंगोलाइड समूह के अंतर्गत आती है। अंडमान जो जनजातियां हैं, इस अंडमान में जो जनजातियां रहती हैं वो आपकी निग्रेटो समूह के अंतर्गत आती है, जबकि निकोबार को आप देखेंगे तो जनजाति मंगोलॉइड समूह के अंतर्गत आती है। ये जनजातियां द्वीपीय प्रभाव के कारण छोटे कद की हैं। कैसी हैं? छोटे कद की हैं। नौकायन, शिकार, वन निवास आदि इन जनजातियों के प्रमुख व्यवसाय हैं। पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश जनजातियों ने शिकार करना छोड़ दिया है और पूरी तरह से सरकारी मदद पर निर्भर हैं। इनकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? सरकार की मदद पर आप समझ सकते हैं कि कितनी मदद होती है सरकार की तरफ से और क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो याद रखना, ये थी ग्रेट अंडमानी जनजाति।